भगवान मिल जाए, बैंगलोर में रूम नहीं मिलता यार, देख के महंगा गली लग रहा है यार। रेंट और डिपॉजिट कितना? वो बोलता है 70,000। आपका रूम खरीदना नहीं, मुझे रेंट पे लेना है। फोन काट दे रहा है यार। क्या रूम तो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। गाइस गाइस, आज है संडे, बज रहे हैं 1:18 दिन के, और मैं जा रहा हूं इसके लिए रूम खरीदने। अरे नहीं, खरीदने नहीं, ढूंढने। आई मीन खरीदने का औकात बैंगलोर में रूम से कब कब हो गया भाई, हैं? रूम ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि रूम में शिफ्ट होने वाला है और मैं पीजी में, पहले पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसके लिए रूम देखने जा रहे हैं। भाई रूम कैसा चाहिए तुमको? एक रूम रहेगा, और एक रूम रहेगा, हां और एक रूम रहेगा, अबे साले बस इतना ही देख रहा है। फैमिली विल बनाने के एकदम सोच में लड़का, हम बोले ना इसका लौंडियाबाजी का धंधा है, ऐसे ही कोई 3 रूम नहीं देखता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, मजाक कर रहे हो, कोई लौंडियाबाजी नहीं है। तो आज दिखा देंगे आपको कि रूम कैसे ढूंढ सकते हैं बैंगलोर में मस्त एकदम। थोड़ा स्ट्रगल होता है खुद से ढूंढने में, यू नो, ब्रोकर वगैरह से ढूंढो तो थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन हम सस्ते में ढूंढने तो खुद से थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप कैसे ढूंढ सकते हो कि वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। आगे बस स्टॉप डीप पे बैठा है, कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? ऑफिस लोकेशन बता। लोकेशन बताते भाई, ऑफिस कहाँ है तेरा? अरे गांडू जगह का नाम बता दे। आईबीसी। अरे आईबीसी तो कहाँ है, कौन सी जगह पे? मेरे को खुद ही नहीं पता कौन सी जगह पे तेरा ऑफिस है। तिहारी सर्कल। तिहारी सर्कल, डेयरी सर्कल। पहुँच गए हैं डेयरी सर्कल। अब इसको पता ही नहीं खुद से कि कहाँ रूम ढूंढना है, बोल रहा है कि अभी अंदर चलो देखते हैं इधर रूम मिलेगा। तो मतलब हद होता है भाई, हद होता है हर चीज का, पता है तुमको कि नहीं? महंगा गली लग रहा है तुमको? लग रहा है इधर तुमको 5-6 हजार का ओनर के मिलेगा? खतरनाक लग रहा है, देखो खतरनाक है भाई, बहुत सुंदर गली है। इधर तो मेरे को भी मिल जाए तो मैं भी घर बसा लूँ। इधर इधर मेरे को सस्ते में घर मिल जाए तो मैं इधर शादी वादी करके इधर शिफ्ट हो जाऊँ। देखो कितना सुंदर है ये बिल्डिंग। ये बिल्डिंग में रूम लेगा तो दीप है मस्त है ना ऐसा ही। अच्छा क्या होगा, ऐसा एक घर बना ले तो बनाएगा ऐसा घर? पैसा दे देना। वाह भाई बड़े लोग खाली पैसे की बातें करते हैं। सुंदर एरिया है, उसके ऊपर से इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं भाई। दीप के तो खुलने वाले हैं नसीब है, बता। Guys, ये गवर्नमेंट स्कूल है। देखो ये गवर्नमेंट स्कूल है, कह रहे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल है। कसम से कह रहा हूँ, मेरे को प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं मिला। मैं बचपन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेकिन आज तक नहीं मिला। ये गवर्नमेंट स्कूल देखो क्या स्टैंडर्ड है भाई, भाई साहब गजब स्टैंडर्ड है यार गवर्नमेंट स्कूल का है। दीप तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा प्राइवेट स्कूल से? गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट स्कूल तुमको मिला था पढ़ने के लिए? खतरनाक भाई। बैंगलोर में रूम ढूंढना मतलब इतने टाइम में मैं अपने लिए मतलब 4 वाइफ ढूंढ चुका होता है। हालांकि मेरे को 4 वाइफ चाहिए नहीं, एक ही चाहिए। तो बेचारा ये भी थक गया, परेशान हो गया। देखिए इतने सारे नंबर होते हैं दिए हुए, हर नंबर पे फ़ोन करो ढूंढो फ़ोन करो। वो कोई बोलेगा बैचलर को नहीं दूंगा, कोई बोलेगा कि रेंट ज़्यादा है, ये है वो है। मतलब बैंगलोर में रूम ढूंढने से अच्छा है आप भगवान ढूंढ लो, मिल जाए भगवान मिल जाए। बैंगलोर में रूम नहीं मिलता यार, बहुत दिक्कत है। कॉल लगे ना, अब देखो इसमें फोन नहीं लग रहा है, बता। फिर एक रूम हम देखे, ऑनर बोलता है बैचलर को नहीं देंगे। हद है भाई, हम बैचलर लोग जाएं कहाँ? फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? देखो कितना स्ट्रगल है। आपको लगता है ना कि अच्छी जगह जॉब करता है, अच्छी जगह अच्छी सैलरी वगैरह है, अच्छी सैलरी क्या है, ठीक ठाक सैलरी है, तो लगता है कि आपको ज़िंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन नहीं होती है। और भाई कैसा हाल है? हम बोल रहे हैं इसको कि भैया पीजी में रह लो, पीजी में रह लो। नहीं इनको पीजी में रहना ही नहीं, इनको बर्दाश्त ही नहीं होता। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ अंकल, आपने आपको रूम के नीचे तो बोर्ड है 1 BHK का। हाँ वो रूम चाहिए। हाँ 10 बजे के बाद ही चाहिए, बट है क्या अभी नहीं देख सकते। हाँ कब तक खाली होगा फिर भी? 10 तारीख को। रेंट वगैरह कितना है? ठीक है ये एरिया में हम लोग ऑलमोस्ट 2 बजे आ गए होंगे, अभी बज रहे 3:12।
पिछले 1 घंटे 10-15 मिनट से, 2 बजे से पहले ही पहुंचे होंगे शायद ये एरिया में, 1 घंटे 15 मिनट से ज़्यादा हो गया घूमते घूमते, अब तक एक रूम देखे तक नहीं, देखे तक नहीं, फ़ोन कर रहे हैं रूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बैचलर्स को नहीं देंगे। यहाँ पे भी एक मिला है, कॉल लग से कॉल लगा, यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है, कॉल नहीं लग रहा अभी यार, परेशान हो गए, थक गए हैं भाई, थक गए लिटरली, 1 घंटे 1.5 घंटे से चलते रहो और हर नंबर को लगाओ, ना ना सुनते रहो, हाँ फोन कट दे, फोन काट दे रहा है यार, थक गए हैं भाई, चलो नेक्स्ट पे चलो। नहीं वो आगे वाले बिल्डिंग पे भी दिख रहा है कि खाली है करके लिखा हुआ है टॉयलेट, चल देखते हैं क्या होता है उसमें, यहाँ तो काट दे रहा है ये, हैं आगे इधर से देखिए, चलो नंबर फोन करके देखिए। यहाँ पे भी एक देखा है, यहाँ पे कॉल करते हैं, हैं गो ग्रीन होम्स सेमी फर्निश्ड फुल, नहीं ना फोन करो, आ गया था देखो फोन करो। यहाँ पे सामने तो एक दिख रहा है, अभी पता नहीं इसमें भी मिलता है या नहीं मिलता है, मतलब परेशान हो गया भाई, ये है बैंगलोर में रूम घूमने का एक्सपीरियंस, ये है। यहाँ एक सामने रूम था, उसने फ़ोन उठाया, उससे पूछे कि भैया रेंट, उसके पास 1 BHK था, भैया रेंट और डिपॉजिट कितना, वो बोलता है 70,000। मैं कहा कि भाई वो आपका रूम खरीदना नहीं, मुझे रेंट पे लेना है, वो बोलता है रेंट के लिए डिपॉजिट 70,000 है, बताओ है? रूम पे रहेगा ना, 270,000 डिपॉजिट, 270,000 दो। अभी रियलाइज हो रहा है सर ये 70,000 में आईफोन खरीद ले, आईफोन खरीद लो इससे अच्छा बे, रहना कहाँ पर है, रहना तो तुम उसके दिल में भी रह सकते हो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो वो तो तुम्हें अपने दिल में रखती है। और एक मिला रूम वहाँ पे वो फोन लगा रहा है और मैं ऐसे बैठ गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ऑलमोस्ट 2 घंटे चल रहे हैं, मजाक नहीं 2 घंटे चलते रहना, और बस में भी आए तो बैठ के तो नहीं आए, खड़े खड़े हैं, हालत ख़राब हो गई लिटरली यार, क्या रूम हो भाई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है गाइस, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो थोड़ा सा मतलब आउटस्कर्ट जैसा हो जाता है बैंगलोर का, ज़्यादा भी इतना भी आउटस्कर्ट नहीं, ठीक ठाक ही बीच में है, और ये जो है ना एकदम बीच में है, तो यहाँ पे जिस रेंज में ढूंढ रहे हैं ना उस रेंज में मिलना थोड़ा मुश्किल है, अगर रेंट मिल भी जाए ना तो डिपॉजिट एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल रहेगा, 70,000 बोला है डिपॉजिट, मजाक है भाई, और 50,000 30,000 40,000 के नीचे तो देगा ही नहीं, 20,000 हम लोगों को पिछला वाला रूम जो 20,000 डिपॉजिट मिल गया था, मुझे तो मुश्किल लगता है कि यहाँ पे 20,000 में मिलेगा, पर कोशिश कर रहे हैं देखते हैं क्या होता है, बहुत मतलब हालत खराब हो गया भाई। 4 बजने वाले हैं अब, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कुछ मैंगलोर लंच होम है, इधर जाले खाना वाना खा लेते हैं पहले, उसके बाद बतियाते हैं आपसे। मैंने लिया है यहाँ चिकन बिरयानी और इसने लिया है मशरूम बिरयानी, चिकन पे मेरा आधा अंडा है उसको फुल मशरूम बिरयानी। अब इन भाई साहब का तो है वेज का नाटक, तो ये खा रहे हैं मशरूम बिरयानी, हम भी मशरूम टेस्ट कर लेते हैं, हम तो नॉन वेज वाले हैं, हम चिकन बिरयानी फाइनली गाइस रूम आ गए, ये देखो सामने रूम है, इधर सामने दीप है, कुछ ठंडा लेने जाएगा, धूप में तो तुम मेरे को घुरा घुमा के गर्म कर दिया, अब तुम ठंडा लेके आएगा, तुम खुद पिएगा, हम तो नहीं पिलाएगा, तुम तो ठंडा पीते नहीं हो, कौन बोले तुम तो और कुछ पीते हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, रहा नहीं जाता तड़फी ऐसी है ना गाइस। हमें रूम तो मिला नहीं, देखिए कितना ज़्यादा ढूंढे, कितना ज़्यादा मेहनत की, देख हाल देख के पता चल जाएगा कितना ज़्यादा मेहनत की है इतनी गर्मी में, रूम तो मिला नहीं। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो एरिया में गए थे ना, क्या नाम था उस एरिया का, डेयरी सर्कल ना, एस जी पालिया और डेयरी सर्कल जैसे एरिया में गए थे हम लोग, तो वहाँ से इसका ऑफिस कुछ 1.5 किलोमीटर दूरी बनेगा, तो उधर ही ले रहा था बंदा रूम लेने का सोच रहा है, बट क्या हुआ कि वो एरिया ना थोड़ा सा महंगा एरिया पड़ जाता है, तो इसके बजट के साथ पे फिट भी नहीं हो रहा है, और एक्चुअली रूम खाली मिलता नहीं क्योंकि वो ऑलमोस्ट लाइक मतलब बहुत ही ज़्यादा मिड पार्ट एरिया होता है, उधर ही ज़्यादा ऑफिस वगैरह है ना, तो लोग भी ज़्यादा रहते हैं उधर आसपास में, तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम जो एरिया में रहते हैं जी भी पहले ना, उधर बहुत आसानी से रूम वगैरह मिल जाता है, तो हमारा रूम हम लोग को बहुत आसानी से मिल गया था, बट यही है कि उस एरिया में थोड़ा दिक्कत होता है रूम मिलने में। अब रूम मिला नहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इसको कह रहे हैं कि 1 महीना तुम यहीं रह लो, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, आज संडे था बाकी दिन तो अभी ऑफिस है, वो कैसे ढूंढेगा फिर पता नहीं, हम 10 तारीख तक ही इस रूम में रह सकते हैं फिलहाल, ये वाला रूम में 10 से 11 तारीख तक, उसके बाद हमें खाली करना पड़ेगा, तो यही है बैंगलोर में रूम ढूंढने का स्ट्रगल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और कैसे ढूंढना है थोड़ा आप लोग को आइडिया, बेसिक आइडिया मिल गया होगा, तो वो ऐसे ही आपको रूम जाना पड़ेगा, बाहर जा के रूम के आगे बैनर लगा होता है उस पर नंबर लिखा होता है, वहाँ पर जाके फ़ोन करोगे तो ऑनर अच्छा होगा, तुम्हारा लक अच्छा होगा तो तुमको मिल जाएगा, ऑनर से बात करोगे तुमको मिल जाएगा रूम अच्छा से, तो वैसे ही रूम ढूंढ लोगे आप आराम से, या फिर ब्रोकर वगैरह होते हैं वो सब ऑनलाइन वगैरह वो सब वैसे भी ढूंढा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हो, बाय। I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.